डियर स्टूडेंट्स आज हम कुछ सॉल्व करते हैं लीनियर इसका नंबर सेवन पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वन डी वाई वी एक्स माइनस एन वाईल टू ई पावर एक्स एक्स प्लस वन होल पावर एन प्लस वन सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है डी वाई वा डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स या डी वाई वो डी एक्स अकेला होना चाहिए तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसके साथ एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई रहस प्लस वन से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं इससे जब दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा डी ओवर डी एक्स माइनस एन ओवर एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू ई पावर एक्स यहाँ पे एक्स प्लस वन की पावर है एन प्लस वन जब इसको एक्स प्लस वन पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास रह जाएगा इनटू एक्स प्लस वन पावर एन रह जाएगा अच्छा ये नीचे कुछ भी नहीं है अब ये इक्वेशन इस फॉर्म की बन गई है लीनियर डिफरेंस यहां पे पी ऑफ एक्स आपका है। ये है यानी इसको आप इसका अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है वो क्या होता है ई पावर पी ऑफ एक्स का इंटीग्रल यानी यहां पे पी ऑफ एक्स आपका है मैं लिख देता हूं वो है जी माइनस एन ओवर एक्स प्लस वन तो ये आ गया जी माइनस एन ओवर तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ है वो आएगा वन ओवर एक्स प्लस वन पावर एन आएगा जी अब वन ओवर एक्स प्लस वन से इस इक्वेशन नंबर ये आपकी इक्वेशन नंबर वन है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, वन ओवर एक्स प्लस एन ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जी वन ओवर एक्स प्लस वन पावर एन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एन ओवर एक्स प्लस वन पावर ये नीचे भी एक्स प्लस वन है और ये एक्स प्लस वन पावर एन है तो ये एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस वन आ जाएगा साथ वाई आएगा और इधर राइट हैंड साइड पे ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन पावर एन है तो जब ये कट जाएगा, जाएगा तो राइट हैंड साइड पर ई पावर एक्स रह जाएगा ये एक्स प्लस वन की पावर एन ऊपर भी है और नीचे भी जब इससे मल्टीप्लाई कर इधर सिर्फ ये रह जाएगा अब अगर आप गौर करें तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन रहा है डेरिवेटिव बन रहा है जी वाई ओवर एक्स प्लस वन पावर एन ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे ई पावर एक्स है अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशियल इधर रह जाएगा डिफरेंशियल ऑफ वाई ओवर एक्स प्लस वन पावर एन ये रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे ई पावर एक्स डी एक्स ये डिवाइड हो है इधर आके ऊपर आ जाएगा अब इसे आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं यानी बाय इंटीग्रेशन तो आपका जो आएगा डिफरेंशियल ऑफ वाई ओवर एक्स प्लस वन पावर एन और इधर आया ई पावर एक्स डी एक्स ये कट गया इधर वाई ओवर एक्स प्लस वन पावर एन रह गया इधर ई पावर एक्स का आपको पता ई पावर एक्स होता है e X और प्लस सी ये आपका आंसर आ गया जी या आप इससे इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर एट पे क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने ये लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस वन डी वाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क् इसको भी ये पहले एक्स स्क् प्लस वन से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस वन साथ नंबर वन कह लें ये आपका पी ऑफ एक्स है टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ये भी पता है कि ई पावर पी ऑफ एक्स का इंटीग्रेल यानी टू एक्स ओवर एक्स स्क् प्लस वन इसका इंटीग्रल तो ये आपका आएगा जी ई पावर लॉग एक्स स्क् प्लस वन तो ये दोनों तरफ कट गया तो क्या रह गया एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क् प्लस वन से इक्वेशन वन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी मल्टीप्लाइंग वन बाई एक्स स्क्र प्लस वन ऑन बोथ साइड्स तो ये वही ओरिजिनल इक्वेशन रिपीट हो जाएगी ये सिर्फ आपको मैंने प्रोसीजर करके दिखाया है कि ये उसमें ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपको शायद समझ ना आती तो ये एक्स स्क्र प्लस वन डी वाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई रह गया यानी ये नीचे कट गया एक्स स्क्र प्लस वन से मल्टीप्लाई इधर भी ये कट जाएगा इधर रह जाएगा जी फोर एक्स स्क्र अब अगर आप गौर करें राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है जी वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वन इसका डेरिवेटिव है इधर क्या रह गया जी फोर एक्स स्केयर अब आप ये डी एक, एक्स इधर ले जाएं इधर रह जाएगा डिफरेंशियल ऑफ वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वन इक्वल टू फोर एक्स स्क्र और साथ ये डी एक्स डिवाइडर इधर आगे ऊपर आ गया अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें यानी बाई इंटीग्रेशन तो ये डिफरेंशियल कट जाएगा इधर रह जाएगा वाई इंटू एक्स स्क् प्लस वन और इधर आ जाएगा फोर एक्स स्क्र का आपको पता है एक्स की पावर थ्री ओवर थ्री होता है और प्लस सी ये आपका आंसर आ गया जी ये क्वेश्चन नंबर सेवन और एट मैंने आपको करवा दिया है क्वेश्चन नंबर नाइन का भी आपको मैं एक दो हिंट्स दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने ये लिखा हुआ है वो है एक्स डी वाई व डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू साइन एक्स तो इसको दोनों तरफ एक्स पे डिवाइड करेंगे क्या करेंगे ये रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू ओवर एक्स वाईल टू साइन एक्स ओवर एक्स इसे हम नंबर वन कह लेते हैं यहाँ पे ये आपका पी ऑफ एक्स है टू ओवर यानि पी ऑफ एक्स क्या है टू ओवर एक्स तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका पी एक्स का इंटीग्रल होता है यानी ई पावर पी एक्स इंटीग्रल यानी टू ओवर एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आ जाएगा जी एक्स मल्टीप्लाइंग वन बाई एक्स स्क् ऑन बोथ साइड्स जब इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा जी एक्स स्क्र डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू ये साइन एक्स ओवर एक्स है इसको एक्सर कर करें एक्स साइन एक्स आ जाएगा तो अगर आप गौर करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो बन रही है ये बन रही है डी वाई ओवर डी एक्स Y x square का ये डेरिवेटिव है y, और इधर राइट लेफ्ट ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है एक्स साइन एक्स dx इधर आ जाएगा इधर रह जाएगा डिफरेंशियल ऑफ वाई एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स dx अब दोनों तरफ यानी इंटीग्रेट कर देते हैं तो इधर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे ये यह डिफरेंशियल कट जाएगा राइट एंड साइड में रह जाएगा एक्स साइन एक्स डी एक्स अब ये राइट एंड साइड की जी इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगी इसे फर्स्ट फंक्शन कहेंगे इसे सेकंड फंक्शन कहेंगे ये आई बी पी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लिखा हुआ है अब इंटीग्रेशन बाई ये बड़ा ही सिंपल है ये आ जाएगा मैं रिजल्ट लिख देता हूँ एक्स कॉज एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी और इधर क्या आया जी वाई एक्स स्क्र या आप एक्स स्क्र वाई लिख सकते हैं ये है जी इसका आंसर तो ये आपने क्वेश्चन टेन तक करने हैं जी थैंक यू जी